वैसे आप लोग देखिए, नेक्स्ट मैच है हमारा मैच नंबर 23, आपका मुंबई वर्सेस पंजाब। ये कल हमारा खेला जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट मैच में मैंने आपको बोला था चेन्नई के जितने भी प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खेलेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और इसके बाद आप बोल सकते हैं उनके बॉलर्स ने भी बहुत ज़्यादा विकेट्स वगैरह लिए, तो ओवरऑल चेन्नई का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। इसी तरह आज मेरा जो रहेगा मुंबई, मुंबई की तरफ से आप जो भी आपकी फैंटेसी या सारी चीज़ टीम वगैरह बनाते हैं उसमें आप मुंबई के प्लेयर्स को थोड़ा ज़्यादा टारगेट करें, ठीक है। आज के मैच में देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मुंबई ने जो लास्ट मैच में गलती की थी, सिर्फ दो प्लेयर को वो खिलाए थे, आप जो बोल सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही बाहर के प्लेयर थे, बाकी इन्होंने किसी को खिलाया नहीं। पता नहीं क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है मुंबई के साथ, ठीक है। आपके पास डैनियल सैम्स है, आपके पास आप बोल सकते हो टाइमल मिल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बाहर के प्लेयर हैं, ठीक है, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पर भाई इन लोग से तो अच्छा ही है ना, एक दो प्लेयर से। आप डैनियल सैम्स का कंपेयर करोगे अगर बेसिल थम्पी से, तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। वो चोटिल थे कि नहीं थे मेरे को मालूम नहीं, बट आज उन सबको खेलना चाहिए मेरे समझ से। देखिए डेवाल्ड ब्रेविस और फैबियन एलन भी एक प्लेयर हैं, उनको भी नहीं खिलाया जा रहा, और मेरा जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था एक संजय यादव करके प्लेयर हैं, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इज़ ए प्योर टैलेंट जिसने कंसिस्टेंट बेसिस पे रन बनाए हैं, डोमेस्टिक में विकेट लिया है लेफ्ट आर्म के, सेम रविंद्र जडेजा की तरह आपको करते हैं, आप ऊपर भी बैटिंग भेज सकते हैं नीचे भी भेज सकते हैं, इनके पास कोई लेफ्ट आर्म का स्पिनर भी मेरे को नहीं दिख रहा। तो मेरे हिसाब से फैबियन एलन के पहले संजय यादव को लेना चाहिए, ठीक है। ये सब फालतू प्लेयर को, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब सीखते नहीं है। बेसिल थम्पी जिस टाइम पर आया था उस टाइम पर मोहम्मद सिराज भी आए थे, ठीक है, पर मोहम्मद सिराज ने काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ गए, पर इनका क्या है कि इनकी फिटनेस भी नहीं लगती मेरे को और बॉलिंग भी उतनी सही नहीं करते हैं, तो मेरे को ये सारी चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से इन सबको नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं बोल सकता, बट आई रियली बिलीव इट्स अ बिग स्टेज, और मैं डेवाल्ड ब्रेविस के भी अगेंस्ट हूँ, ठीक है। अब देखिए टॉम बेंटन भी आए थे इसी तरह, ठीक है। टॉम बेंटन का क्या हुआ, कोई जानता है क्या, बस आया आया करके बहुत बड़ा खिलाड़ी है करके खिला लो। अरे भाई थोड़ा खेलने दो उसको, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने दो, अंडर 19 डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है। वो इंग्लैंड में भी आया, सब जगह से बाहर हो गया एक तरह से इंग्लैंड में, हालांकि अभी उनको मौका मिला था। तो ऐसे प्लेयर को इतना बड़ा मंच दे देना है सीधा जा करके, तो लोगों में क्रेज़ बहुत होता है, अरे भाई ये अरे भाई वो, पर देखिए इतना ईजी नहीं होता भाई। यहाँ लोग 4-4 5 साल मेहनत करके आते हैं तब टीम में आते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इमीडिएट लेके आ जाओ भाई, आईपीएल है बहुत बड़ा स्टेज है, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ फेल हो जाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक डिफरेंट चीज़ होती है, अंडर 19 डिफरेंट चीज़ होती है, लोगों के करियर यहाँ बर्बाद होते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बैड पिक है, मैंने देखिए तीन प्लेयर को तो हटा ही दिया। ये ले सकते हैं डैनियल सैम्स को, सीधी बात बोल रहा हूँ, और अभी आपका जो टाइमल मिल्स है उनको तो इनको लेना ही लेना है, क्योंकि नहीं लेने का कोई सेंस नहीं बनता, दो दो बाहर के प्लेयर को खिला। और डैनियल सैम्स को ये ऊपर भेज सकते हैं, हमने शायद बीबीएल में भी देखा था, किधर ही देखा था, डैनियल सैम्स चौथे नंबर पर भी आए थे, तो ये मौका दे सकते हैं मुंबई को। कुछ तो प्लान करना होगा, अगर आपने लिया है तो फिर खिलाओ, आप बाहर नहीं बैठा सकते, वो चोटिल है कि नहीं वो आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इनको समझनी होंगी, जैसे तीसरे पे वो कुछ आप बोल सकते हैं कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से तो तीसरे पे आपको सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए, चौथे पे तिलक वर्मा को आना चाहिए, कोई पोलार्ड को ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इन सब भी ऊपर नीचे आ सकते हैं, नहीं तो आप डैनियल सैम्स को थोड़ा सा ऊपर भेज दो और उसके बाद आप संजय यादव को भी खिला सकते हो। इस तरीके से टीम इनको कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। बुमराह जयदेव नाटकर के मैं हमेशा फेवर में हूँ, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है, जो पहली बार वो बहुत हाई में बिकाए थे उसके बाद से लास्ट एक ईयर में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मुरुगन अश्विन भी विकेट टेकर है, तो ये तीन बॉलर हो गए। इसके अलावा आप मौका दे सकते हैं संजय यादव को, आप मौका दे सकते हैं टाइमल मिल्स को, तो खेलना पड़ेगा, ठीक है, वरना इनसे होगा नहीं, ठीक है। तो चार बॉलर प्योर हो गए, इसके अलावा संजय यादव और डैनियल सैम से आप ओवर वगैरह करा लो थोड़ा बहुत, इनका यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। देवाल ब्रेविस को खिलाने का कोई सेंस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने पहले भी बोला है आगे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है एक मैच में क्लिक कर जाए, बट ही बहुत अभी यंग है, ठीक है। तो मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो मुंबई आज सही करेगी, और आज मुंबई आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं आपको मैच विन होते हुए मिलेगी, और नहीं तो आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैच अगर टक्कर देने के बाद ही अगर जाएगी तो काम से जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है एक प्लेयर पे, उसका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है। इसे प्योर आप बोल सकते हो प्योर टैलेंटेड कैप्टन, इसकी कैप्टनसी इतनी बेहतरीन है कि ये कोई भी टीम के साथ मैच विन कर सकता है। अभी 4 में 4 हार तो गए हैं, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, बट मेरे हिसाब से कुछ प्लेयर्स के नाम जिसको मैंने लिए हैं अगर वो लेते हैं थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कुछ बैटिंग ऑर्डर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई आप बोल सकते हो आज का मैच आपको विन होते हुए मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए अब हमारी अगर पंजाब इस टीम में, देखिए मैं फिर बोलता हूँ मैं तो अपने प्रेडिक्शन देता रहूँगा, जैसे इतने सारे ओपनर्स को लेके क्या मिला मेरे को समझ में नहीं आता। जब आप टीम को खेलते हैं, मैंने पहले भी बोला, जब दो ओपनर आपके पहले ही हो गए और चार ओपनर लेके क्या करोगे, ना बैटिंग भेज पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं किसको खिलाना है, भानुका राजपक्षा को खिलाना है किसको खिलाना है, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। और हरप्रीत बरार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मेरे को मालूम नहीं, आपका लेफ्ट आर्म का स्पिनर है और नीचे में बड़े बड़े हिट करके देता है, इन सारे प्लेयर्स को मौके ही नहीं मिल रहे। जैसे संजय यादव हो गया, हरप्रीत बरार हो गया, ये सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं भाई, इनको मौका दो। ओडियन स्मिथ देखिए मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगा इनको, क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है एक्चुअली, मैंने CPL में देखा है और कई जगह इन्होंने परफॉर्म किया, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, पर अभी इनका प्रॉब्लम क्या है कि इतनी फ्लैट विकेट है ना कि यहाँ कोई भी बॉलर जो है वो मरा जा रहा है, और दो बॉल पर तो छक्का खाना
से आप कोई प्लेयर ख़राब नहीं हो जाते, ठीक है। तो ओडियन स्मिथ ने एक मैच भी जिताया था, हालांकि उनका कैच भी छूटा था। एक प्योर भजड़ी है आप बोल सकते हो, आते ही मारना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जगह बनता है, मैं इनको नहीं निकाल सकता, ठीक है। मैच विनर है क्योंकि नीचे में अगर शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ हैं, ठीक है, तो ये दोनों मैच कोई भी आप बोल सकते हो कहीं से भी जिता सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर अब बात आती है इतने सारे ओपनर्स हैं, ठीक है, चलिए लियान लिविंगस्टोन तो हालांकि नीचे में भी आते हैं, वो अपने टीम में कभी ओपन भी आते हैं, पर ये जॉनी बेस्टो अगर आपको खिलाना है तो फिर मेरे हिसाब से तो इनको ओपन कराना चाहिए। मयंक अगर हालांकि वो सब कुछ होगा नहीं तो कहीं ना कहीं ठीक है, फिर यही है मैं बोल सकता हूँ कि मयंक अग्रवाल को थोड़ा सा आराम से खेलना होगा। इधर बीच ये दोनों ही आके मारना शुरू कर दे रहे हैं, थोड़ा आराम से खेलिए, 6 ओवर तक विकेट बचाइए, उसके बाद फिर ये सारे प्लेयर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हरप्रीत बरार के मैं फेवर में रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टीम में चेंजेस के लिए बोलोगे तो ऐसा कुछ खास चेंजेस बनता नहीं है, बिकॉज इन्होंने 4 में 2 मैच जीते हैं, एक बहुत ही क्लोज हार है, तो टीम में कोई कमी नहीं है। एक लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर हो गया, एक आप वैभव अरोड़ा का अच्छा सलेक्शन था, राहुल चहर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जिसको मुंबई ने निकाला पता नहीं क्यों, किशोर आबाडा भी ठीक है, चलिए उतना फॉर्म में नहीं चल रहे मेरे हिसाब से, बट ठीक है, इनकी बैटिंग भी थोड़ी इंप्रूव हुई है, और बाकी कुछ प्लेयर हैं जो मैच विनर्स भी हैं, बट ओवरऑल ये चीज़ें डिपेंड करेंगी मयंक अग्रवाल कितना अच्छा खेलते हैं। स्टार्ट में अगर विकेट बचा के रखते हैं तो नीचे में बड़े बड़े हिटर्स खेल सकते हैं, बट फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस टीम में कोई चेंज नहीं होना वाला। इनका बैकअप भी अच्छे हैं, इनमें ऋषि धवन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनके पास भानुका राजपक्षा, मेरे को उतना वो नहीं था क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर हैं और उनका डायरेक्ट एंट्री हुई थी, बट अभी उनको बोला जा रहा है खिलाया जाएगा, पर मेरे हिसाब से नहीं, यही टीम बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अगर कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, अगर ओडियन स्मिथ को निकालना चाहते हैं, तो फिर इनके पास बाहर का एक्चुअली में कोई प्लेयर बचा ही नहीं उतना अच्छा जो ओडियन स्मिथ की जगह ले सके, ठीक है। नैथन एलिस ले सकता है, फिर आप कितने बैट्समैन कितने बॉलर खिला लोगे, तो अभी 5 बॉलर हो गए हैं, इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन 6वें हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता इस टीम में कोई चेंज होगा। ओवरऑल बढ़िया टीम है आप बोल सकते हो। अगर ये वैभव अरोड़ा को निकाल करके हरप्रीत बरार को ले लेते हैं तो इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, बट अभी पिचेस एकदम फ्लैट हैं, ठीक है, तो इसका भी निकलना बनता नहीं है। अर्शदीप तो मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, तो ओवरऑल एक अच्छी अगर स्पिन खाती है तो बाद में हो सकता है इनको निकाल दिया जाए, हालांकि ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर मेरे को चाहिए ऑलराउंडर, मैं बिलीव करता हूँ ऑलराउंडर्स में जो कि नीचे में आके मैच जिताते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मतलब ये टीम में मेरे को आज मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से बोलोगे तो देखिए मेजर जो फ़ायदा हो रहा है सिर्फ चेज टीम को हो रहा है, अभी तक जो भी हमने देखा है पीछे से इतनी फ्लैट हो जा रही है, वो बोल रहे हैं ड्यू नहीं खाएगी, देखिए मैच मुंबई पुणे में है और जो भी टॉस जीतेगा चेज ही लेगा, और चेज को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पर फिर भी देखा जाए अगर आप मेरे से पूछोगे तो आज के मैच में आपको मुंबई कहीं ना कहीं वो विन करते हुए मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों, और इसके अलावा अगर आप मान लो कि आज अगर आप मेरे से परफॉर्म करने का कुछ पूछोगे तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव तो कंटिन्यूस खेल रहे हैं, पोलार्ड कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, और बाकी आज बुमराह आपको विकेट लेते काफ़ी अच्छा मिल सकते हैं, और अगर ये टाइमल मिल्स को मौका देते हैं तो मुंबई की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म हो सकता है। और इनकी तरफ से तो देखिए उतना नहीं है कंटिन्यूस, मेरे हिसाब से आज राहुल चहर अच्छे बॉलर हैं, ये कंटिन्यूस अच्छे ही रहेंगे, और बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से आप जो भी पिक करोगे फैंटेसी के लिए आप मुंबई को लेके करना, और मुंबई कहीं ना कहीं आपको मैच में बाजी मारते हुए मिलेगी, ठीक है, नहीं तो आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, आप समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप मुंबई को पकड़ के रखोगे तो एंड में यही बोलूंगा डिस्क्लेमर, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी रिलेटिव, प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।